हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर मुकेश जिंदल फ्रॉम ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। तो बेटा, आज जो मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ वो है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये बेटा बहुत सारे बच्चों को दिक्कत लगती है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। हमेशा बोलते हैं सर ये हमें बैलेंस करनी नहीं आती, कोई भी रिएक्शन दे रखी हो, एसिडिक मीडियम में दे रखी हो, बेसिक मीडियम में दे रखी हो, कभी पूछ लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो, कभी पूछ लेते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करो। बेटा आज आपकी जो प्रॉब्लम है वो चुटकियों में हल होने वाली है, ठीक है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ कि इससे आप बहुत जल्दी से जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है वो सीख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे? जैसे सपोज करो बेटा, आपको कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी है MnO4- प्लस यहाँ पे दे रखा है आपको H2S एरो, यहाँ पे आपको दे रखा है Mn2+ प्लस यहाँ पे आपको दे रखा है सल्फर, ठीक है। ये आपको एक केमिकल इक्वेशन दे दी और आपको बोला गया कि ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में है। ये हमारे पास किस मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में आपको दे रखी है और आपको बोला गया इस रिएक्शन को बैलेंस करो बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एज वेल एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दोनों से बैलेंस करनी है। तो बेटा इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बेटा ये देखो, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सबको नाम से क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले हम इनके क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। बाय मींस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले बेटा जो MnO4- है इसमें जो Mn होता है बेटा, इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +7 होता है। ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा वो -2 होता है। प्लस यहाँ पे H2S के केस में हाइड्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है और सल्फर के ऊपर बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है, ठीक है। एरो Mn के ऊपर +2 होता है और जो सल्फर होता है बेटा, कोई भी अकेला एलिमेंट हो, ठीक है, जो अपनी होमो एटॉमिक फॉर्म में हो तो वो उसके ऊपर हमेशा 0 जो है ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो अब आप देखो इस रिएक्शन में आपने क्या निकाल लिया? इनके सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आते होंगे। अगर किसी को नहीं आते तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो बेटा यहाँ पे देखो, आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो Mn है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बेटा डिक्रीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये देखो +7 से +2 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय कितना डिक्रीज कर गया? 5। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn डिक्रीज बाय 5। ये 5 कितना क्यों कर गया? क्योंकि यहाँ पे बेटा +7 था, यहाँ पे 2 रह गया। तो अगर आप 7 में से -5 करोगे तो ही 2 रहेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज कर गया? 5 डिक्रीज कर गया, ठीक है। अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा अपने डिक्रीज करता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा रिडक्शन। उसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो ये सल्फर है, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ पे देखो क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सल्फर के ऊपर -2 चार्ज था और यहाँ पे कितना चार्ज है? 0। तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया? -2 में अगर आप +2 ऐड कर दोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2। तो आप लोगों को यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि पहले हमने क्या करना है? इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, उसके बाद इनका कितना डिक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है वो लिखना है। समझ आ गई सबको? उसके बाद बेटा, उसके बाद आपने क्या करना है? इनकी ना क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? बेटा ये जो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, ये किसको बोला जाता है कि देखो इसका जो नंबर डिक्रीज हुआ है, कितना नंबर इसका डिक्रीज हुआ है? 2। इसका नंबर इंक्रीज हुआ है 2 और इसका नंबर डिक्रीज हुआ है 5। जो बेटा जिसका डिक्रीज हुआ होता है, देखो इसका डिक्रीज हुआ है, Mn का डिक्रीज हुआ है 5। ये जो नंबर है ना 5,
हमने इस नंबर्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो जिसका इंक्रीज हुआ होता है उसके साथ कर देनी है यहाँ पे। और बेटा जिसका इंक्रीज हुआ होता है, जैसे इसका कितना इंक्रीज हुआ है वो टू, और इस नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है हमने जो जिसका डिक्रीज हुआ होता है उसके साथ करनी होती है। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 5 डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू है बेटा 5, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसने जो डिक्रीज वाली वैल्यू होती है, डिक्रीज वाला नंबर होता है, आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, जिसका बढ़ रहा होता है। ये देखो इसका बढ़ रहा है इस कंपाउंड का, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। और जिसका डिक्रीज हो इंक्रीज हो रहा होता है, देखो बेटा इसका इंक्रीज हो रहा है, टू इंक्रीज हो रहा है, तो इसके नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, जिसका डिक्रीज हो रहा होता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो टू है, ये वाला जो टू है इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2MnO4 नेगेटिव प्लस, इसका कितना डिक्रीज हुआ था 5, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे 5H2S। बेटा ये वाला जो स्टेप है ये सबसे मेन स्टेप है इस रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो कर लोगे तो ये आपकी इक्वेशन जो है बड़ी आसानी से बैलेंस हो जाएगी। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो यहाँ पे इस साइड पे इनको ऐसे ही रखो, Mn2 पॉजिटिव प्लस S। ये सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। चलिए अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारा कुछ बैलेंस करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही आपने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दी तो आप क्या करोगे, एटम्स को बैलेंस करना स्टार्ट कर दोगे। देखो यहाँ पे 2Mn है, तो यहाँ पे इसके आगे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। यहाँ पे सल्फर के आगे कितना है बेटा, 5, तो यहाँ पे भी सल्फर के आगे बेटा कितना लग जाएगा, 5 लग जाएगा। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आपने कोई रिएक्शन बैलेंस करनी है, उस रिएक्शन में सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, उस रिएक्शन में सबसे पहले बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के हर एक चीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद जब वो चीज़ें बैलेंस हो गई, जैसे यहाँ पे Mn था वो भी बैलेंस हो गया और सल्फर था वो भी बैलेंस हो गया, जब ये बैलेंस हो गई तो थर्ड थिंग आपने क्या करनी है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। थर्ड थिंग आपने क्या करनी है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और सबसे लास्ट पे किसको बैलेंस करते होते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो बेटा जब भी आपको एसिडिक मीडियम दे रखा हो, ठीक है, और आपके पास ऑक्सीजन एक साइड पे इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा, 4 × 2 8 ऑक्सीजन है आपके पास यहाँ पे, 4 × 2 कितने ऑक्सीजन है, 8, और इस साइड पे तो एक भी नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, जब इस साइड पे एक भी नहीं है तो अपनी तरफ से हमें परमिशन होती है, जब भी एसिडिक मीडियम होता है तो हमें परमिशन होती है कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कभी नहीं भूलना, जब भी आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या ऐड करोगे, उसमें वाटर ऐड करोगे। कितने वाटर ऐड करोगे, जितने ऑक्सीजन कम है बेटा। देखो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो यहाँ पे हमने उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए 8, तो हमारे पास यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा, 8 हो गए ना। देखो 1 × 8 हो गए, यहाँ पे भी 8 हो गए, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है बेटा वो क्या हो गए, बैलेंस्ड। अब एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई बेटा, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 16 हो गए बेटा। यहाँ पे देखो हमारे पास 16 हाइड्रोजन हो गए, 2 × 8 16, और इस साइड पे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 × 5 10 है, यहाँ पे है 16, यहाँ पे 10 है। तो जब भी कभी एसिडिक मीडियम दे रखा हो तो हमें एक परमिशन होती है दो चीजों की परमिशन होती है, कौन कौन सी, एक तो वाटर की, वाटर कब ऐड करना है सभी लिख लो अपनी कॉपीज में, जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो, और H पॉजिटिव की परमिशन होती है दूसरी, H पॉजिटिव कब ऐड करना है, जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो। तो बेटा यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 10 है, तो हम क्या करेंगे इस साइड पे, दिस साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 6H पॉजिटिव जो है वो अपनी साइड से ऐड कर देंगे, अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। तो जब हमने यहाँ पे 6H पॉजिटिव ऐड कर दिए और 10 तो ये पहले थे, तो हमारे पास 16H हो गए, यहाँ पे भी 16H हो गए। तो बेटा ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन अब बैलेंस्ड है। अब आप इसको चेक कर सकते हो बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, अब मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। देखो हम चेक करते हैं कि क्या ये वाकई में बैलेंस्ड है, 2Mn ओके। उसके बाद ऑक्सीजन देखो 4 × 2 8, ठीक है, यहाँ पे देखो 8 ऑक्सीजन ओके। फिर इसके बाद हाइड्रोजन देखो 5 × 2 10 प्लस 6 16 हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे 8 × 2 16 हाइड्रोजन।
उसके बाद बेटा सल्फर, सल्फर है यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे भी 5 सल्फर है। तो बेटा ये रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस्ड है इन एसिडिक मीडियम, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इन एसिडिक मीडियम। ये किस मेथड के थ्रू की है मैंने, ये ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू की है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताऊंगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उससे आप कैसे बैलेंस करोगे। देखो ध्यान से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बेटा, अब हमने इसी रिएक्शन को अब बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो देखो हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखो ये इसको हमने अभी बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। तो बेटा हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे, तो ध्यान से देखो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बेटा क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, आप सबने ये श्योर करना होता है, ये एश्योर करना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन मेथड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे प्लस 7 है हमारे पास चार्ज, यहाँ पे प्लस 2 है, तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो वहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। आप लोगों को पता है ना, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है बेटा तो क्या होती है, रिडक्शन। अच्छा यहाँ पे माइनस 2 था और यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। बस ये काम करना है आयन इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखना कि किसका कितना बढ़ रहा है, किसका कितना कम हो रहा है, वो वाला कुछ नहीं करना, वो ऑक्सीडेशन में था। अब इसमें बस सिर्फ आपको ये बताना है कि किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इतना पता चल गया। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, ये जो रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन वाली रिएक्शन जो है उसको हम अलग कॉलम में लिख लेंगे, और जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन उसको हम अलग कॉलम में लिख लेंगे। जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है ये वाली है, यहाँ से ये बन रहा है, तो इसको हम अलग से लिख लेंगे, MnO4 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू Mn2 पॉजिटिव, ये लिख लिया हमने, ये रिडक्शन रिएक्शन थी। और ये वाली बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको भी हम लिख लेंगे अलग से, H2S इज कन्वर्टेड इनटू S, ठीक है बेटा। इन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग कर लेना है, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन मेथड। हाफ सेल रिएक्शन का मतलब जिसमें रिडक्शन को हम अलग से बैलेंस करते होते हैं और ऑक्सीडेशन को अलग से बैलेंस करते होते हैं। जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था उनको वहां पे इकट्ठे करते होते थे बैलेंस, इसमें क्या करना है, अलग अलग से बैलेंस करना है, मेथड वही यूज करना है बस, ठीक है, अलग अलग करके करना है। तो अब क्या करोगे आप, अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके ऊपर चार्ज निकालो, इसके ऊपर चार्ज है प्लस 7, इसके ऊपर चार्ज है प्लस 2, इसके ऊपर चार्ज है माइनस 2, इसके ऊपर चार्ज है 0, निकाल लिया। अब इसमें आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, 2 से 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने होते हैं। क्या बैलेंस करने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, लिख लो अपनी कॉपी में। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, उसमें रिडक्शन निकाली, ऑक्सीडेशन निकाली, रिडक्शन वाली रिएक्शन को अलग अलग लिखा, ऑक्सीडेशन वाली को अलग लिखा, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने होते हैं बाकी वाले। जैसे यहाँ पे Mn है, यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, इसके 1, तो मतलब ये बैलेंस्ड है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर बेटा आपने ऑक्सीजन बैलेंस करने होते हैं। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करोगे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास 4, तो अगर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई हुई है कि जब भी एसिडिक मीडियम दे रखा हो तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक परमिशन होती है कि हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होते हैं वहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, कितने, जितने ऑक्सीजन कम है। देखो यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे 4 थे, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड अप कर दिए, क्लियर। उसके बाद अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बढ़ गए, हमारे पास क्या बढ़ गए, हाइड्रोजन बढ़ गए। तो बेटा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड पे 4H पॉजिटिव जो है वो ऐड कर देंगे, ऐसे करके यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, 4H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो हमारे
सॉरी बाई मिस्टेक 8, यहाँ पे आएगा 8 एच पॉजिटिव ऐड करेंगे बिकॉज यहाँ पे 4 × 2 8 है, तो यहाँ पे हमने 8 एच पॉजिटिव ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें ना छोटा सा नया स्टेप और आता है, वो कौन सा स्टेप है देखो। अब यहाँ पे देखो आपने सिर्फ एक चीज नोट करनी है, वो नोट करना है कॉपी के ऊपर, यहाँ पे एम एन के ऊपर चार्ज कितना है बेटा +7 और यहाँ पे एम एन के ऊपर चार्ज कितना है +2। क्लियर, यहाँ पे +7 है और यहाँ पे है +2। आपने क्या करना होता है, दोनों साइड पे जो ये वाली सेंट्रल एटम होती है जिसके ऊपर रिडक्शन हुई है उसका चार्ज बैलेंस करना होता है, उसका जिसके ऊपर रिडक्शन हुई होती है। जैसे एम एन के ऊपर रिडक्शन हो रही है, देखो +7 से 2 में जा रहा है, तो इन दोनों साइड पे हमने इसका चार्ज बैलेंस करना होता है। वो कैसे होगा, बैलेंस का मतलब होता है कि इक्वल करना, इक्वलाइज करना। वो कैसे होगा, आपने क्या करना है, अगर इस साइड पे जहाँ पे बढ़ा हुआ होता है जो चार्ज, वहाँ पे उस साइड पे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने होते हैं जिससे इन दोनों का जो चार्ज है वो बैलेंस हो जाए। तो देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास चार्ज +7, यहाँ पे +2 था, इसको हमने +2 में कन्वर्ट करना है, +2 में। +2 में कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर आप +7 में 5 नेगेटिव ऐड कर दोगे, 5 नेगेटिव का मतलब था 5 इलेक्ट्रॉन अगर आप इसमें ऐड कर दोगे, तो 7 में से 5 निकाले 2 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी +2 रह गया और यहाँ पे भी +2 रह गया। ठीक है, इट इज क्लियर टू यू। तो आपको क्या करना है, बस ये बैलेंस करनी है। अब ये रिएक्शन बेटा बैलेंस हो चुकी है, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब इसको मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ। देखो मैंने क्या किया, पहले रिडक्शन रिएक्शन लिख ली, रिडक्शन रिएक्शन लिखने के बाद ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम बैलेंस किए, यहाँ पे भी 1 था और यहाँ पे भी 1 है। ओके, उसके बाद मैंने ऑक्सीजन बैलेंस किए, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 4 वाटर ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने हाइड्रोजन ऐड किए, हाइड्रोजन बैलेंस किए, यहाँ पे 8 थे और यहाँ पे भी 8 एच पॉजिटिव ऐड कर दिया, बिकॉज हमें परमिशन होती है वाटर और एच पॉजिटिव ऐड करने की। वाटर किसके लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और एच पॉजिटिव किसके लिए, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, ऐड कर दिया। और अब हमने क्या करना है, लास्ट पे चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, चार्ज बैलेंस किया जाता है उसका जिसके ऊपर रिडक्शन हुई होती है। जैसे Mn के ऊपर रिडक्शन हुई है बेटा, तो यहाँ पे +7 था, यहाँ पे +2 था, तो आपने क्या करना है, जिस साइड पे बढ़ा हुआ होता है इंक्रीज प्लस में होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते होते हैं हमेशा, तो यहाँ पे +7 है ना, तो आप यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे इसका चार्ज रहेगा +2, तो यहाँ पे भी +2 है, तो ये चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, अब हमने उसको बैलेंस करना है। अब आप इसको ना एक बार वीडियो को पॉज करके इसको बैलेंस करने की कोशिश करो, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी हो जाएगी बैलेंसिंग। देखो अब आपने क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी बैलेंस करो। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, इट इज बैलेंस्ड नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते, वाटर मॉलिक्यूल। अब उसकी जरूरत नहीं है, हमने क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2। ठीक है, हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे इस साइड पे 2H पॉजिटिव ऐड कर देने हैं, यहाँ पे इस साइड पे। सबको समझ आ गई, यहाँ पे 2H पॉजिटिव ऐड कर देने हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करिए करने के लिए, ये बैलेंस हो गए हमारे पास। अब देखो बेटा यहाँ पे जो चार्ज है वो है -2, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। देखो सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो सल्फर के ऊपर यहाँ पे चार्ज है -2 और यहाँ पे सल्फर के ऊपर चार्ज है 0। हमने क्या, मैंने आपको क्या बताया है, हमेशा इलेक्ट्रॉन किस साइड पे ऐड करने होते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे जो चार्ज होता है वो प्लस में ज़्यादा होता है, प्लस में ज़्यादा होता है। तो बेटा यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इन दोनों में से चार्ज किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, 0 बड़ा होता है किससे, -2 से। तो हमने इस साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं कि इसका जो चार्ज है वो इसके साथ बैलेंस हो जाए, कि जो इसका चार्ज है वो इसके साथ बैलेंस हो जाए। तो बेटा मैं इस साइड पे मैं करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड। अगर मैंने इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए बेटा, तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर कितना चार्ज हो गया, -2 हो गया ना, बिकॉज यहाँ पे 2 माइनस ऐड कर दिया, तो यहाँ पे भी सल्फर के ऊपर 2 माइनस था, तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई बेटा, बैलेंस हो गई। क्लियर, अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, इन दोनों रिएक्शन को ऐड अप कर दो, इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दो, ऐड अप कर दो, सम कर दो। तो देखो सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को लिख रहा हूँ, रिडक्शन वाली को, इसको मैं प्रॉपर वे से लिखता हूँ, 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स एरो, Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 वाटर। क्लियर, उसके बाद ये वाली रिएक्शन को इसके नीचे रखूंगा, H2S एरो सल्फर
प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और इनको ऐड अप कर दूंगा। तो बेटा जब भी मैं इनकी एडिशन करूंगा, जब भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में किसी दो रिएक्शन की एडिशन होगी, ठीक है, तो आपने एक चीज को श्योर कर लेना है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कटने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कट ऑफ होने चाहिए दोनों के, ये चीज को श्योर करना है आप लोगों ने हमेशा। तो देखो ऊपर वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। नीचे वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2। तो आपने क्या करना है, अगर आप ऐसे करो ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। देखो 5 × 2 = 10 हो जाएंगे। और जो नीचे वाली रिएक्शन है उसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, ठीक है। तो यहां पे भी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो चलिए हमने इस सारी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया और इस सारी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहां पे भी 10 हो गए और यहां पे भी 10 हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कट गए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब हमारे पास क्या बचा, 8H पॉजिटिव तो पहले थे, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 16H पॉजिटिव हो गई, ये लिख दिया मैंने। ये 1MnO4 नेगेटिव था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 2MnO4 नेगेटिव ये हो गया। उसके बाद प्लस ये 1H2S था, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया बेटा, ये हो गया 5H2S एरो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा कि ये जो एरो से पहले वाली चीजें हैं, ये वाली, ये और ये, इसको एरो से पहले ही लिखा जाता है, ठीक है, और एरो के जो बाद वाली चीजें उसको एरो के बाद ही लिखेंगे। अब यहां पे क्या लिखेंगे, 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 × 2 8 वाटर, ओके, यहां पे 5S हो गया, ये हो गया 10H पॉजिटिव, ये हो गया बेटा 10H पॉजिटिव। तो बेटा ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अभी भी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि इसमें ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी कट ऑफ हो सकती हैं, जिनकी कटिंग हो सकती है। देखो जब लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम थिंग आ रही हो तो उसको काट दिया करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 16H पॉजिटिव है और इस साइड पे कितने हैं बेटा, 10H पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर आप इन 10H पॉजिटिव को इस साइड पे लेके आओगे तो ये हो जाएंगे -10H पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे एरो है ना, तो यहाँ पे इस 10H प्लस 10H पॉजिटिव को इस साइड पे लेके आओगे तो ये हो जाएंगे -10H पॉजिटिव। तो अगर आप इसकी कटिंग करते हो, इसकी कटिंग इसके साथ करते हो, तो यहाँ पे कितने H पॉजिटिव हमारे पास बचेंगे, 6H पॉजिटिव। सबको क्लियर हो गया, और किस चीज़ की कटिंग हो सकती है बेटा, और किसी चीज़ की कटिंग नहीं होती। तो देखो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन बन गई, अब क्या बन गई, 6H पॉजिटिव, 16 से 6 रह गया क्योंकि उसके 10 कट गए थे, प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5H2S एरो, 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 वाटर प्लस 5S। बेटा ये वाली जो अब रिएक्शन है हमारे पास, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप इसको चेक कर लो, देखो हाइड्रोजन चेक करो, 6 + 10 16 हाइड्रोजन है इस साइड पे, यहाँ पे देखो 8 × 2 16 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2Mn है, यहाँ पे भी 2Mn, यहाँ पे 4 × 2 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी देखो बेटा 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 सल्फर है, यहाँ पे 5 सल्फर है। तो बेटा ये रिएक्शन बैलेंस्ड है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है बेटा। अब इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो मैं मेथड अभी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक यू वेरी मच।